नमस्कार, वीआईपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज के हिंदी ऑडियो आर्टिकल में डी.एल.एड शिक्षा दिग्दर्शन द्वितीय सेमेस्टर से विषय विज्ञान अध्याय 12 पर्यावरण प्रदूषण है। तो इसी ऑडियो आर्टिकल पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। इसके कारण, वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती है। अथवा वायु, जल व मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तनों को जो मानव जीवन, उनके रहन सहन तथा अन्य जीवों का कुप्रभाव डालते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों को मिल जाने से उनमें अनेक परिवर्तन आ जाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब जान लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण किन कारणों से होता है। पर्यावरण प्रदूषण आज केवल भारत ही नहीं समस्या में है, यह सभी संपूर्ण विश्व समस्या है। नागरीकरण एवं औद्योगिकरण को प्रथम प्रश्रय मिल रहा है, जिससे पर्यावरण की अवस्था प्रभावित हो रही है। दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं बढ़ जा रही हैं। मानवीय क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अधिक प्रयोग के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता कम हो गई है। वनों के कटने एवं रासायनिक खादों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में तथा औद्योगिकरण में रासायनिक उपयोगों आदि से मानव का जीवन प्रभावित हो रहा है। जनसंख्या में वृद्धि, तो इनके कारण भी कुछ होते हैं। तो पहले जान लें, हमें प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत के उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है। हम स्वच्छंद रूप से इनका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हुई है और अनेक प्रकार के प्रदूषणों का समावेश हुआ है। मूल रूप में पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले निम्न कारण हैं। जनसंख्या में वृद्धि, ग्रोथ इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन हुआ। जलवायु, ध्वनि एवं अन्य प्राकृतिक समस्याएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। हमारे रहन सहन के आवश्यक संसाधन एवं खाद्य पदार्थों पर जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत दबाव बढ़ जाने से समस्त पर्यावरण विकृत हो गया है। अगला है औद्योगिकरण। मनुष्य में अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग का अधिक सहारा लिया है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रण उपयोग बढ़ गया है, जिसके भयंकर प्रदूषण परिणाम हमारे सामने हैं। औद्योगिकरण में भू, जल, तापमान, स्वास्थ्य, वायु, ध्वनि, वन, कृषि आदि भी प्रभावित हुए हैं, जो प्रदूषण फैलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब शहरीकरण, दिन प्रतिदिन गांव की परिस्थितियां बदलने के कारण ग्रामीण शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव में जनसंख्या घटती जा रही है, वनस्पतियों का संरक्षण नहीं हो रहा है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। अगला है रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग द्वारा होता है प्रदूषण। अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। दूसरी ओर फसलों की कीड़े मकोड़े से होने वाले हानि से बचने के लिए कीटनाशक दवाओं का अधिक तादाद में प्रयोग किया जा रहा है। अगला है वन संपदा का ह्रास। अपनी आवश्यकताओं एवं स्वार्थ सिद्ध हेतु मानव ने वनों को काटना प्रारंभ कर दिया है। वनों को काटकर अपने रहने के लिए ऊंची इमारतों का निर्माण कर रहे हैं। वनों के कटने से वायु, जल की मृदा एवं ऊंची इमारतों का निर्माण की वजह से प्रदूषण में नियंत्रण वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हुई है, जिससे फेफड़े की बीमारियों तथा मानसिक विकृतियाँ बढ़ रही है। अगला है युद्ध, वार। राष्ट्रों के विकास के साथ साथ दिन प्रतिदिन आतंकवादी भी प्राणघाती कैंसर रोग की तरफ बढ़ा रहे हैं, जिसका किसी भी राष्ट्र के पास इलाज नहीं दिख रहा है। यह युद्ध संभावनाओं का नियंत्रण दे रहे हैं। अगला है यातायात। वायु को प्रदूषित करने में यातायात वाहनों का बड़ा योगदान है। वाहनों से निकलने वाले धुआं पर्यावरण में फैलकर वायु की प्रदूषित कर रहा है। वाहनों से निकलने वाली गैसें वायु को विषैला बना देती हैं, जो मनुष्य एवं जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताइए, वायु प्रदूषण के स्रोत, दुष्प्रभाव तथा नियंत्रण के उपाय भी बताइए। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार से होते हैं, जिस आविष्करण के माध्यम से प्रदूषित होता है उसी के आधार पर प्रदूषण का प्रकार होता है। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि। तो सबसे पहले जान लेते हैं वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। वायु में गैसों की एक निश्चित मात्रा होती है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य गैसें 0.07%। यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत, सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। यद्यपि अधिकांश वायु प्रदूषण मानव की गतिविधियों से होता है, तथापि थोड़ा बहुत प्रदूषित प्राकृतिक कारणों से भी होता है। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत, ज्वालामुखियों से निकलने राख, आंधी तूफान के समय उड़ती धूल, वनों में लगी आग से उत्पन्न धुओं का कोहरा इत्यादि है। वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत, वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत निम्न प्रकार से हैं, जैसे घरों में जलने वाले ईंधन, निकली हुई गैस एवं धुआं, कारखानों में ईंधन के रूप में जलाए गए कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि, निकली हुई गैसों एवं धुआं, मोटर कार, स्कूटर, वायुयान द्वारा, वृक्षों के काटने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। उपयुक्त स्रोतों से निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, सीसी, जिंक तथा अन्य तात्विक तत्व मिले हुए रहते हैं, जो वायु प्रदूषण के वायु में प्रदूषित करते हैं। अब जानते हैं वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, इससे मनुष्य में क्षय रोग, कैंसर, दमा आदि बीमारियां हो जाती है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड गैस से मनुष्य के फेफड़े संबंधित अनेक बीमारियां जैसे दमा, खांसी आदि हो जाती है। अगला है कार्बन तथा धुआं से कैंसर तथा क्षय रोग होता है। अगला है कैडमियम के कण रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। ओजोन के प्रभाव से त्वचा कैंसर, आंखों की रोग, सीने में जलन, खांसी आदि रोग हो जाते हैं। धूल व कार्बन के कण पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को मंद कर देते हैं। रुधिर में सीसी की अधिक मात्रा से मृत्यु हो जाती है। कण मात्रा में इसका प्रभाव तंत्रिका तंत्र तथा गुर्दों पर पड़ता है। रेडियोधर्मी पदार्थ के कण जीवित ऊतकों को मृत बना देते हैं। इनका प्रभाव गुणसूत्रों पर पड़ता है। गुणसूत्रों पर स्थित जीव आनुवांशिकता के वाहक होते हैं, इस कारण से रोग मनुष्य को हो जाते हैं, वे अन्य पीढ़ी में भी पहुँच जाते हैं। अब बात करते हैं अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन। अम्ल वर्षा H2SO4 व HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का मिश्रित होता है, जो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है। अम्ल वर्षा में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड विभिन्न अनुपात में होते हैं। अम्ल वर्षा द्वारा मृदा अम्लीय बढ़ जाती है, जिससे वनस्पति जात तथा प्राणीजात प्रभावी होते हैं। अम्ल वर्षा की जल नदियों, तालाबों तथा झीलों में पहुंचकर जलीय जीव जैसे मछली व अन्य जलीय जीव को बहुत अधिक हानि पहुंचाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है। अम्लीकरण के कारण और अनेक जीवों एवं नीलहरित जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है, जिससे पारस्परिक संतुलन बिगड़ जाता है। अम्ल वर्षा के कारण वनों को भी बहुत हानियाँ पहुँचती है। अब आगे जान लेते हैं वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। मेथड ऑफ कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। घरों में धुआं रहित ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, कुकिंग गैस। स्वचालित वाहनों से उत्पन्न धुएँ को निर्वातक का पर छन्ना पर पश्चज्वालक इत्यादि लगाकर कम किया जा सकता है। अगला है डीजल में कुछ अन्य पदार्थ मिलाकर तथा पेट्रोल में लेड यानी लेड व सीसी को जैसे विषैले पदार्थ निकालकर उपयोग करना चाहिए। कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। ईंटों के भट्टे आदि भी आबादी दूर स्थापित होने चाहिए। पेड़ पौधे को अधिक मात्रा में लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध बना रहता है। अब जान लेते हैं जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव और निवारण साथ में। तो पहले जान लेते हैं जल प्रदूषण क्या है। जल में अनेक प्रकार के खनिज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों के निश्चित अनुपात में कम अथवा अधिक तथा अन्य अनावश्यक पदार्थ घुले होने से जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के स्रोत सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, गंदा जल जिसमें औद्योगिक कारखानों तथा घरों का तरल और ठोस कचरा तथा मल, गौशाला, गुड़साल आदि की गंदगी मिली हो वही मल कहलाता है, वाहित मल कहलाता है। यह वाहित मल नदियों में बहा दिया जाता है जिससे नदियों का जल दूषित हो जाता है। कारखानों का कचरा जिसमें पारे तथा शीशे के कार्बनिक यौगिक होते हैं नदियों में बहा दिए जाते हैं। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटनाशक पदार्थ जैसे एल्ड्रीन, डीडीटी आदि प्रयोग के जल के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं। अगला है रेडियोधर्मी पदार्थ भी भूमि से जल प्रवाह में पहुंच जाते हैं। अगला है कच्चा पेट्रोल निकालते और भरते समय समुद्र में गिर कर बह जाता है। अब जान लेते हैं जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से अनेक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु को प्रभावित होते ही मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। प्रदूषण जल के पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे टाइफाइड यानी मियादी बुखार, पेचिश, क्षय रोग यानी टीबी, पीलिया आदि भयंकर रोग हो जाते हैं। दूषित जल में विभिन्न पदार्थ के हानिकारक जीवाणु, विषाणु तथा हानिकारक क्रीम एवं अनेक अंडे पाए जाते हैं जो मनुष्य के रोग उत्पन्न करते हैं। अब जान लेते हैं जल प्रदूषण रोकने के उपाय, मेथड ऑफ कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदियों में मृत पशुओं को बहाने पर रोक लगा देना चाहिए। वाहित मल को नदी में नहीं बहाना चाहिए। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने से प्रतिबंध लगाना चाहिए। कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उद्योग को नदियों के किनारे स्थापित नहीं करना चाहिए। परमाणु शक्तियों का प्रयोग जलाशयों में या जलाशयों के समीप नहीं करना चाहिए। दूषित जलाशयों की सफाई भी समय समय पर करते रहना चाहिए। अब आगे जान लेते हैं ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पॉल्यूशन के प्रभाव और नियंत्रण के उपाय। तो सामान्य बातचीत की ध्वनि से तीव्र ध्वनि शोर कहलाती है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, अतः शोर की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत, मेन्स ऑफ सोर्स ऑफ साउंड पॉल्यूशन, उद्योग धंधे तथा मशीनें, परिवहन के साधन जैसे वायुयान, रेलगाड़ी, मोटर बस आदि, मनोरंजन के साधन जैसे सिनेमा, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टैप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि, सामाजिक क्रियाकलाप जैसे दीपावली, दशहरा आदि त्यौहार पर तथा विभिन्न विवाह शादियों में पटाखे छुड़वाना, चुनाव तथा हड़ताल आदि समय लाउडस्पीकर द्वारा तेज आवाज़ में भाषण देना, देवी देवताओं की खुशी के लिए रात्रि जागरण आदि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव हैं। अब आगे जान लेते हैं ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ साउंड पॉल्यूशन। तीव्र ध्वनि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है और कार्य करने की क्षमता को घटाती है। शोर से बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी जैसे रोग हो जाते हैं। शोर का प्रभाव मनुष्य के स्नायु तंत्र पर भी पड़ता है। शोर से रात्रि में देखने की क्षमता में कमी हो जाती है। रंगों की पहचान में कमी जैसे प्रभाव भी देखे गए हैं। शोर हृदय मस्तिष्क के अतिरिक्त यकृत को भी नुकसान पहुंचाता है। 90 डेसिबल अधिक ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। 90 डेसिबल से अधिक हो तो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, मेथड ऑफ कंट्रोल, साउंड पॉल्यूशन, पुरानी एवं खटारा मोटर गाड़ी, ट्रक आदि आवासीय क्षेत्रों से निकलने पर रोक लगाई जानी चाहिए। मोटर वाहनों में तेज़ ध्वनि वाले हॉर्न के बजाने पर रोक लगानी चाहिए। कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए तथा उत्तम डिजाइन से इंजनों का उपयोग किया जाना चाहिए। अत्यधिक शोर वाले कारखानों में जल की व्यवस्था होनी चाहिए तथा मशीनों को उचित रखरखाव किया जाना चाहिए। विमानों को विशेष ढाल तथा उतार तथा बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कम से कम शोर हो। अब जान लेते हैं मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय। प्रदूषित जलवायु, कीटनाशक पदार्थ एवं घरेलू उपार्जकों के मिट्टी में मिल जाने को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं मेन सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, घरेलू अपशिष्ट जैसे कूड़ा कचरा, डिटर्जेंट, नगर पालिका अपशिष्ट, कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, कृषि अपशिष्ट, कृषि में प्रयोग होने वाले अनेक पदार्थ के कीटनाशक, रसायन, पीड़कनाशक आदि। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली पॉलीथीन बाढ़ तूफान द्वारा भूमि की उर्वरा सतह का बह जाना। मृदा प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। मृदा प्रदूषण से अनेक प्रकार की बीमारियों के रोगाणुओं को पनपने का अवसर मिलता है। गंदगी पर अनेक प्रकार की कीट तथा मक्खियाँ पनपती है जो रोगों को फैलाने में सहायता करते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण फल उत्पादन में कमी होती है। मृदा प्रदूषण से सूखे की संभावना बनी रहती है। मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, मेथड ऑफ कंट्रोल, सॉइल पॉल्यूशन। मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्राथमिक आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे की है। इसकी निम्न विधियाँ हैं। उन्हें किसी स्थान पर एकत्रित किया जाए, उन्हें नष्ट कर दिया जाए, उनका पुनः चक्रीकरण करके उपयोगी पदार्थों में बदला जाए। अब बात करते हैं आपदा क्या है। आपदाओं के प्रकार बताइए। आपदा अथवा मानवकृत घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप भारी जान माल की क्षति होती है आपदाएं कहलाती है। आपदा में मानव जीवन की हानि के साथ साथ संपत्ति एवं रोजगार का भी हानि होती है। आपदाओं के प्रकार, आपदाएं निम्न प्रकार की होती हैं। आकस्मिक आपदाएं, आकस्मिक में क्या होता है, हम आकस्मिक आपदाओं का संबंध प्रायः प्रकृति से होता है, इसीलिए इनको प्रकृत आपदा कहते हैं। इस प्रकार की आपदाओं की पूर्व सत्य भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान इत्यादि वगैरह। अनाकस्मिक आपदाएं, इस प्रकार की आपदाएं मानव के कुप्रबंधन एवं अव्यवस्थाओं के कारण होती है। इनमें धीमी गति वाली आपदाएं भी कहते हैं। इन आपदाओं की भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान संभव है, जैसे अकाल, प्रदूषण, मौसम एवं जलवायु असंतुलन। अगला है महामारी एवं जैविक आपदाएं। किसी विशेष अवधि में जल, भोजन, वायु स्पर्श द्वारा फैलने वाले संक्रमण रोग इस प्रकार की आपदाओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्लेग, हैजा, एड्स आदि। आगे बात करते हैं सामाजिक आपदाएं। मानव जनित ऐसी आपदाएं जो मानव के कुप्रबंधों के कारण समाज एवं समुदाय को संकट में डाल देती हैं, सामाजिक आपदाएं कहलाती हैं, जैसे आतंकवाद, नाविक दुर्घटना, अग्निकांड, जनसंख्या विस्फोट आदि। अब बात करते हैं प्राकृतिक आपदा तथा मानव अस्त्र आपदा में अंतर। प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है। इन आपदाओं की पूर्व एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, विस्फोट, ज्वालामुखी इत्यादि। मानवकृत आपदाएं मानव के कुप्रबंध अथवा दुष्कर्मों के कारण उत्पन्न होती है। इन आपदाओं की भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान संभव है, जैसे आग, परमाणु आपदाएं, आतंकवादी गतिविधियाँ आदि। अब जान लेते हैं भूकंप के कारण भूकंप से हानि तथा लाभ भी। भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन विधि है जो कि धरातल के ऊपरी अथवा निचली चट्टानों के लचीलेपन एवं गुरुत्वाकर्षण की समस्थित में न्यून अवस्था से प्रारंभ होता है। भूकंप के प्रकार। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंपों को तीन वर्गों में रखा जाता है। सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप, पताली भूकंप। तो पहले जान लेते हैं सामान्य भूकंप। ऐसे भूकंपों के भूकंप मूल धरातल से 50 किलोमीटर तक की गहराई पर स्थित होता है। अब जान लेते हैं मध्यवर्ती भूकंप। ऐसे भूकंप में उत्पत्ति केंद्र की गहराई धरातल के नीचे 50 से 250 किलोमीटर तक होती है। अब पतालीय भूकंप, इसके केंद्र की गहराई धरातल के नीचे 250 से 700 किलोमीटर के बीच होता है। इनके बारे में अभी विशेष जानकारी का अभाव है। भूकंप के कारण। भूकंप आने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 ज्वालामुखी विस्फोट, नंबर 2 पृथ्वी का सिकुड़ना, नंबर 3 बलन तथा भ्रंश, नंबर 4 भूसंतुलन, नंबर 5 कृत्रिम भूकंप, नंबर 6 अन्य कारण। तो पहला जान लेते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में हलचल होती है जिसे भूकंप कहते हैं। कई बार लावा बाहर आने का प्रयास करता है परंतु ऊपर के कड़ी सेलों के अवरोध के कारण वह बाहर नहीं आ पाता और ऊपर की चट्टानों में कंपन कर देता है। अब जान लेते हैं पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी अपने जन्म से अब तक निरंतर ठंडी होकर सिकुड़ रही है। पृथ्वी के सिकुड़ने से इसके सेलों में अव्यवस्था पैदा हो जाती है जिससे कंपन पैदा हो जाता है और भूकंप आता है। बलन तथा भ्रंश। बलन तथा भ्रंश का संबंध क्रमशः संपीड़न तथा तनाव से है जिससे चट्टानों में हलचल होती है और भूकंप आते हैं। भूसंतुलन। तो बलन तथा भ्रंश का संबंध संपीड़न तथा तनाव से है, चट्टानों में हलचल होती है। अब भूसंतुलन, यह माना जाता है कि पृथ्वी की ऊपरी सियाल हल्का होता है और निचले भारी सीमा पर तैर रहा है। ऊपरी हल्की चट्टानों ने ऊपची नीची होकर संतुलन की व्यवस्था बना ली है परंतु अब अपरदन द्वारा उच्च प्रदेशों से तलघट निम्न प्रदेशों में निषेचित होता है जो यह संतुलन बिगड़ जाता है। यह चट्टानों इस संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रयास करती हैं तो उनमें कंपन उत्पन्न हो जाता है और भूकंप आ जाता है। अगला 5वां है कृत्रिम भूकंप। ये भूकंप मनुष्य के कार्यकलाप द्वारा आते हैं जैसे बम के धड़ाके से, रेलों के चलने से अथवा कारखानों में भारी मशीनों के चलने से भी पृथ्वी में कंपन होता रहता है। और अन्य कारण हिमखंडों या शिलाओं के खिसकने तथा गुफाओं की छतों के धंस जाने या कारखाने की छतों या खानों की छतों के गिर जाने के कारण भी भूकंप आ जाता है। मनुष्य पर भूकंप का प्रभाव। मनुष्य भूकंप के लिए प्रायः अभिशाप तथा कभी कभी वरदान सिद्ध होता है जिसमें अनेक हानियां तथा कुछ लाभ है। तो पहले हानियां जान लें। भूकंप से निम्न हानियां होती हैं जैसे इनसे धन जन की अपार हानि होती है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र पर होता है और सबसे अधिक क्षति और अधिकेंद्र के पास ही होता है। कई बार भूकंप से नदियाँ के मार्ग में रुकावट पड़ जाती है और उनका प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार नदी का जल समीपस्थ भागों में घुस जाता है और बाढ़ आ जाती है। जब समुद्री भाग में भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं जिससे जल यानों को भारी क्षति पहुंचता है। इसलिए इसके अतिरिक्त तटीय भागों को समुद्री जल फैलकर भारी नुकसान करता है। भूकंप से पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन बहुत होता है। भूकंप से कई बार भीषण आग लग जाती है। अब लाभ जान ले मनुष्य पर भूकंप का लाभ। भूकंप से जितनी क्षति होती है उसका 1% भाग भी लाभ नहीं होता। कुछ अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। भूकंप तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। भूकंप से भू अस्खलन क्रिया होती है जो अपक्षय में सहायक होती है। इससे मिट्टी के निर्माण में सहायक मिलती है और कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। भूकंपों से बड़े पैमाने पर बलन या भ्रंश पड़ जाते हैं जिससे पर्वत, पठार, घाटियाँ आदि कई नई स्थलाकृतियों का जन्म होता है। भूकंपों से धरातल पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है जिसके कई खनिज पदार्थ सुगमता से मिल जाते हैं। कई बार भूकंपीय भ्रंशों से जल स्रोतों का जन्म होता है जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। आगे जान लेते हैं बाढ़ के कारण तथा प्रभावित क्षेत्रों द्वारा करणीय एवं आकरणीय कार्य। तो अतिवृष्टि के कारण जब वर्षा जल नदी तटबंधों की सीमा तोड़कर अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के कारण है भारी वर्षा तथा चक्रवात। बाढ़ के कारण अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नदियों के ऊपरी भागों को वनों की कटाई के कारण अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रेत और बजरी जमाव से नदी तल ऊंचा उठ जाता है जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए करणीय तथा आकरणीय कार्य। तो करणीय कार्य एक, अग्रिम सूचना और सलाह के लिए आकाशवाणी समाचार सुनिए। बिजली के सभी उपकरण बंद कर दीजिए। कीमती सामान और कपड़ों को बाढ़ के पानी की पहुंच से दूर रखिए। घर से बाहर जाने पर बिजली और गैस बंद कर दीजिए। तो ऐसे आप अपने मन से सोच सकते हैं कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है बाढ़ से बचने के लिए। अब आकरणीय कार्य, बाढ़ के पानी में पैदल या कार में बैठकर यात्रा मत कीजिए। बिजली के खंभों या तारों के आसपास मत जाइए। यदि बाढ़ के पानी में यात्रा करनी पड़े तो लाठी या डंडे का सहारा ज़रूर लें। पानी पीने के पानी को लगभग 20 मिनट तक उबाल कर प्रयोग करें। अब आगे प्रश्न है सूखा से बचने के उपाय। तो सूखा का तात्पर्य बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में जल की कमी के कारण खाद्यान्नों का अभाव हो जाता है, उसे सूखा कहते हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है। सूखे से बचाव के उपाय, सरकार तथा जनता ने सूखे से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल, वर्षा जल तथा धरातलीय जल को नष्ट होने से बचाया जा रहा है। फसलों के हेर फेर की विधि द्वारा ऐसी फसलों की खेती की जाती है जो सूखे को सह सके। जल सिंचाई की लघु योजनाओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है। शुष्क भागों में स्प्रिंकलर जल सिंचाई विधि का प्रयोग किया जा रहा है। वृक्षारोपण पर अधिक बल दिया जा रहा है। नदियों की जगह जगह बांध बनाकर जल की रुकावट की जा रही है। तो ऐसे अपने मन से भी सोच सकते हैं कि सूखा से कैसे बचे, सूखा कैसे होती है, इसके बारे में लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो थ्योरी में हो उसी थ्योरी पे ही आपको नंबर मिले। अब आगे बात करते हैं जो बीटीसी 2015 में पूछा गया है, आंधी के क्या लक्षण हैं, इसके बारे में लिखिए। बीटीसी 2000 प्रश्न आ चुका है। तो प्रायः पवनों व वायु दाब की भिन्नता के कारण चलती है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब तथा निम्न से उच्च दाब की ओर बहती है। यही हवाएं विक्षोभ या चक्रवातों के प्रभाव से आकार विकराल रूप धारण कर लेती हैं। यही आंधी कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में यही हवाएं आंधी के रूप में धूल और रेत भरी होती है जिससे पेड़ पौधे तथा जन धन की हानि होती है। कभी कभी घने जंगलों में आंधी के द्वारा पेड़ों के आपस में रगड़ने से आग लग जाती है जिससे जीव जगत के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1972 में। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ था? 2005 में। जनसंख्या विस्फोट की प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है अनियंत्रित जनदर एवं जनसंख्या वृद्धि। वायु प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? वायु प्रदूषण में गैस की एक निश्चित मात्रा होती है, तो उसमें से अगर किसी भी मात्रा की बढ़ोतरी हो जाए तो वायु प्रदूषण कहलाता है, कम या ज़्यादा हो जाए। अब अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा किन अम्लों का मिश्रण होता है। तो अम्ल वर्षा H2SO4 व HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। और ध्वनि प्रदूषण से क्या तात्पर्य है। समानता बातचीत की ध्वनि से तीव्र ध्वनि शोर कहलाती है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, अतः शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक है। 90 डेसिबल, ये आप याद भी कर लें, 90 डेसिबल। मृदा प्रदूषण कैसे कहते हैं। मृदा प्रदूषण प्रदूषित जलवायु, कीटनाशक पदार्थ एवं घरेलू अपमार्जकों के मिट्टी में मिल जाने को मृदा प्रदूषण कहते हैं। भूस्खलन किसे कहते हैं। भूजल चट्टानों में वजन बढ़ा देता है जिससे वह नीचे की ओर खिसक जाती है, इसे भूस्खलन कहते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, 78 से 79% होता है। प्रदूषण की परिभाषा लिखिए। जलवायु मृदा जैविक भौतिक एवं रासायनिक गुणों के अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। दो मृदा प्रदूषकों के नाम। दो विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद तथा विषैले रसायन जैसे कीटनाशक, खरपतवार नाशक, कवकनाशक आदि मृदा प्रदूषक हैं। कारखानों के चिमनियों के धुएं से निकलने वाली दो गैसों के नाम लिखिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्वनि प्रदूषण क्या है और मनुष्य के लिए ध्वनि सहनशीलता क्या है। तो सहनशीलता यानी कि ध्वनि 90 डेसिबल तक ही सुना जाना चाहिए, इससे ज़्यादा हानिकारक होता है। वातावरण में उत्पन्न अवांछनीय ध्वनि को शारीरिक तंत्रिका, तंत्र, श्रवण व तंत्र व स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अगला प्रश्न है मृदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु दो विधियों के नाम लिखिए। कीटनाशक, खरपतवार, रसायन इत्यादि। आगे बात करते हैं रेडियोधर्मी फॉल आउट किसे कहते हैं। परमाणु विस्फोट के फलस्वरूप निकलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में संघनित होने के कारण पश्चात जब वापस पृथ्वी पर आते हैं तो इन्हें रेडियोधर्मी फॉल आउट कहते हैं। अपमार्जक किसे कहते हैं। अपमार्जक इनका उपयोग घर, अस्पताल, औद्योगिक संस्थानों आदि सफाई के लिए की जाता है, जैसे सर्फ, फिनाइल आदि। अगला है ध्वनि या शोर की इकाई को क्या कहते हैं। डेसिबल, इसको स्मॉल डे कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ओजोन परत क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। ओजोन परत पृथ्वी के लगभग 50 किलोमीटर ऊपर ओजोन की रक्षात्मक परत कवच पाई जाती है। इस घातक परावैज्ञानिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक लेती है। इसे क्षतिग्रस्त होने से हमारा स्वास्थ्य तथा भोजन स्रोत प्रभावित होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या तात्पर्य है। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड तथा गैसों की वायुमंडल में ऊष्मा को रोक लिया जाना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाले चारों गैसों के नाम लिखिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बनस, मेथेन तथा ओजोन ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता की इकाई लिखिए। किस स्तर से अधिक ध्वनि मनुष्य को हानि पहुंचाती है। तो 90 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि मनुष्य को हानि पहुंचाती है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल कहलाता है। तो धन्यवाद इस ऑडियो आर्टिकल को सुनने के लिए। यह चैप्टर समाप्त होता है। ऐसे ऑडियो आर्टिकल सुनने हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।